हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे कि आपका जो एनडी का एग्ज़ाम है, इसका जो आपका सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या न्यू पैटर्न ठीक है के आधार पर हम आपको बताएंगे सिलेबस क्या चल रहा है आज का, और कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सब कुछ बताएंगे और वन बाई वन आपको बताएंगे। तो वीडियो को देखना आप लोग, ठीक है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और साथ में आप सभी के लिए यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि आपका जो PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम से भी आप लोग इसको डाउनलोड, तो आप लोग अपने टेलीग्राम टॉपर ज्ञान अकेडमी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग जाएं जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर ज्ञान अकेडमी से, उस पर मैं आपको PDF दे दूंगा। साथ में अनअकेडमी पर भी हम एक क्लास चलाते हैं, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिएगा यहाँ पर देखते हैं आप सभी का जो आपका एग्जाम होता है, आपका जो न्यू पैटर्न है एग्जाम का, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो आपका एनडी सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आपका होता है रिटन एग्जाम। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको होता है SSB इंटरव्यू, जो कि 5 डेज चलता है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देख लें, ठीक है। आप लोग सर्च करें, ठीक है, आपको मिल जाएगी SSB इंटरव्यू बारे में हमारे ही चैनल पर। तो आपका जो परीक्षा का मोड है, आपका 2 भागों में पेपर होते हैं, ठीक है, और एक पेपर का टाइम होता है आपका 2.5 घंटे का। जो पहला पेपर होगा आपका मैथ्स का होगा, यानी कि गणित का पेपर होगा आपका पहला, दूसरा आपका GK GS का आपका दूसरा पेपर होगा, ठीक है। तो मैथ्स में कुल मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको इस पर डिटेल में दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे नीचे, तो यहाँ पर आपका आता है कि आपका जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें आपका जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें एक मैथ्स का पेपर होता है, गणित का, दूसरा होता है आपका सामान्य क्षमता परीक्षण, ठीक है। तो ये आपका मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा, क्योंकि आप लोग समझते रहेंगे। तो यहाँ पर आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स में, और सामान्य परीक्षा योग्यता में आपके 150 क्वेश्चन होते हैं। हर एक पेपर के लिए 2.5 घंटे का टाइमिंग बीच में होती है, और कुल मिला के यहाँ पर आप सभी के जो 900 नंबर में से आपका पेपर होता है, ठीक है, 900 नंबर में से आपको, जिसमें से 300 नंबर आपके मैथ्स के होते हैं और 600 नंबर आपके GAT यानी कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी कॉम्पिटिटिव, साथ में इंग्लिश भी होता है, ठीक है। कुल मिलाकर आपके 270 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और इनमें आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है आपके एग्जाम में। दूसरी यहां पर बात करते हैं आप सभी से, आप लोग यहां पर देखेंगे जो आपका एनडी के जो पेपर होते हैं, फर्स्ट तो होगा आपका मैथ्स का, सेकंड आपका क्या होता है, सेकंड वाले में आपका जो सेकंड पेपर होता है, ठीक है, आपका जो पहला पेपर होगा मैथ्स वाला, जो पेपर आप सभी का 10 बजे से स्टार्ट होता है और ये 12:30 तक चलता है। बात करते हैं दूसरे पेपर GAT जनरल, ठीक है, आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट का, ठीक है, ये आपका 2 बजे से स्टार्ट होता है और आप सभी का 4:30 बजे तक पेपर चलता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर आपके जो इंग्लिश में क्वेश्चन है, सबसे पहले आपका जो GAT का पेपर होगा उसमें आपका एक पोर्शन होता है आपका इंग्लिश वाला, जिसमें इंग्लिश के आपके 200 मार्क्स का, यानी कि आपके 50 क्वेश्चन होते हैं आपके इंग्लिश के, और बाद दूसरा होता है आप सभी का जनरल नॉलेज का, ठीक है। जनरल नॉलेज में आपके लगभग 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 25 ऐसे आपके जो आपका रासायनिक शास्त्र है, लगभग 15 क्वेश्चन आपके, और साथ में जो आपका सामान्य विज्ञान है, ठीक है, जो आपका बायोलॉजी होता है उसमें से लगभग आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। इतिहास से बात करते हैं तो इतिहास से कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन आपके पूछेगा, भूगोल से लगभग 20 क्वेश्चन, ऊपर नीचे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपके 600 क्वेश्चन पूछे जाते हैं GAT से। दूसरी यहाँ पर बात करते हैं आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस है, आपका 4 से 5 दिन का इंटरव्यू चलता है और कुल मिलाकर 900 नंबर का होता है आपका इंटरव्यू, तो आपको इसको बाद में देखना है, पहले हम आपका रिटर्न एग्जाम का सिलेबस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जाम का सिलेबस देखते हैं, तो कुल मिलाकर आपकी जो निगेटिव मार्किंग है वो आपके 2.5 अंक काट ले आते हैं, यानी कि आपका 1/3 की आपकी निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तीन क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, तो यहाँ पर मैथ्स के टॉपिक देखते हैं, तो आप सभी के मैथ्स के जो आपका मैथ्स है वो आपके टॉपिक सारे के अलजेब्रा है, साथ में आपका ट्रिग्नोमेट्री है, डिफ्रेंसिएशन कैलकुलस है, आपका वेक्टर अलजेब्रा है, आपका यहाँ पर आपका सारणिकी है आपका, और साथ में यहाँ पर देखते हैं आप सभी का नीचे आपके यहाँ पर देखने के लिए मिलता है आपकी ज्योमेट्री है, आपका डायमेंशन है, इंटीग्रेशन कैलकुलेशन डिफ्रेंसिएशन एंड आपका स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी आपका सब कुछ मिलता है। अगर बात करते हैं आप सभी कितने क्वेश्चन किस में से पूछे जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख लें, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था। तो अगर बात करते हैं आप सभी का जो GAT का सिलेबस है उसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो GAT के सिलेबस में आप सभी का यहाँ पर GAT का सिलेबस स्टार्ट होता है, 600 नंबर का आपका GAT का पेपर होगा। सबसे पहले आप सभी का क्या होगा, यहाँ पर इंग्लिश होती है, आप सभी की इंग्लिश आती है, इंग्लिश में आपकी जो भी जितनी भी आपकी जो भी इंग्लिश है आपकी सारी आएगी, ठीक है, जो आपका SSC के एग्जाम में आती है जो, ठीक है, जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ पर ग्रामर एंड यूज कंप्रेहेंशन है आपका, स्पोर्टिंग एरर्स, पैराजेम्बर, फिलिंदर लैंग, एंथोनियम्स, वोकेबलरी, क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ रखें आप लोग इसमें क्या करें, सिनोनियम्स आपके 10 पूछ जाएंगे, एंटोनियम्स आपके 10 पूछ जाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आप लोग इसमें अच्छा खासा कवर कर सकते हैं, यानी कि वोकेबलरी के कुल मिला के लगभग आपके आधा पोर्शन आपका वोकेबलरी का होता है, लगभग 25 क्वेश्चन से ऊपर आपकी वोकेबलरी बन जाती है, तो आप अच्छे से वोकेबलरी को प्रिपेयर करेंगे।
नेक्स्ट नंबर बात करते हैं आप सभी का बाकी के आपका जो क्वेश्चन है कि आप सभी के जो फिजिक्स का सिलेबस है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपका 11th और 12th का टोटल फिजिक्स है वो आपका सारा पूछा जाता है, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आपका लाइट एंड साउंड है, मैग्नेट है आपका, मोशंस एंड आपका एंड लॉ ऑफ मोशन से आपका, और यहाँ पर आपका मैटर्स के पूछे हुए, आपका वर्क एनर्जी पावर है आपका, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से आपसे पूछा जाएगा, साथ में आप सभी का, ठीक है, आपका हीट से क्वेश्चन आते हैं आप सभी के, साथ में आप सभी का, ठीक है, जो भी आपका 11th 12th का टोटल सिलेबस यहाँ से आपका पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे यहाँ पर केमिस्ट्री का सिलेबस आप सभी का, केमिस्ट्री के सिलेबस में आप लोग यहाँ पर देखेंगे टोटल आप सभी का केमिस्ट्री का सिलेबस, यहाँ पर आपका फिजिकल केमिकल चेंजेस है, एयर वाटर केमिकल के क्वेश्चन आपके, एलिमेंट्स कंपाउंड्स मिक्सचर एंड फर्टिलाइजर्स एटम्स एंड स्ट्रक्चर, कार्बन स्ट्रक्चर एंड आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपके, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। साथ में आपके एसिड बेस साल्ट से जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं 11th 12th की केमिस्ट्री के टोटल क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपका साइंस का सिलेबस अगर बात करते हैं आप सभी का, जो बाकी के व्यवस्था आपकी बायोलॉजी आपकी टोटल पूछी आती है 10th लेवल की, तो आप लोग उसको देख लें, 10th 12th लेवल की आपकी बायोलॉजी आती है, ठीक है। और नीचे बस आप सभी का हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से आप सभी के जो आपका आधुनिक भारत है, ठीक है, सारे के सारे टॉपिक आपके हिस्ट्री से पूछे जाते हैं आप सभी का, तो सबसे मेन होता है आप सभी का यहाँ पर आधुनिक भारत, ठीक है। आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो सबसे आपकी इंपॉर्टेंट होती है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, तो ठीक है आपका आधुनिक भारत है, और साथ में आप सभी का जो यहाँ पर आपका प्राचीन भारत और आपका मध्यकालीन भारत और आपका जो विदेशी भारत है, विदेशी इतिहास है, वो भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस में, तो ज्योग्राफी के सिलेबस में आपका टोटल ज्योग्राफी का सिलेबस आता है आपका है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट मैं आपको बुक यहाँ पर अभी बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक लेनी है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं साथ में आप सभी के, ठीक है। करंट अफेयर्स आपके क्वेश्चन आपके करंट एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्योंकि आपका वर्ल्ड और इंडिया दोनों में हुए हैं, ठीक है। आप सभी का जो रिसेंट में जितनी भी घटनाएं घटी हैं उससे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं आप सभी के सिलेबस के लिए साथ साथ कौन सी बुक चूज करें, तो बेस्ट बुक कौन सी, तो बेस्ट बुक आप लोग यहां से देख सकते हैं, तो यहां पर जो आपके लिए बेस्ट बुक है, तो यहां पर आप लोग वैसे तो आपको पढ़ने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बुकें हैं काफ़ी दिखाई दे रही होंगी, यदि आपको एक ही बुक चाहिए सभी चीज़ों की, तो आप पाथ फाइंडर बुक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर आप एक ही बुक चूज़ करना चाहते हैं तो आप पाथ फाइंडर बुक चूज़ करके पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगी, वरना आपको तो बहुत सारी बुकें होंगी, मैं आपको वन बाई वन आपको बताता हूँ, ठीक है। बात करते हैं आपकी बेस्ट बुक के बारे में, तो बेस्ट बुक आप सभी को यहाँ पर दिखाई देगी कि आप लोग एनसीईआरटी से आपको कवर कर सकते हैं, ठीक है। 11th 12th के आपको फिजिक्स के एनसीईआरटी से आपको कवर कर सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की भी आप लोग एनसीईआरटी पढ़ें क्योंकि उससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। साथ में यहाँ पर आप सभी के इंग्लिश की बुक आती है, इंग्लिश की बुक आप किसी की भी पढ़ लें, ठीक है। यहाँ पर वैन मार्टिन को छोड़कर, ठीक है, इसको पढ़ने की जो भी आपको जी करते हैं आप उसकी बुक पढ़ लें, मगर आप सभी सारी की सारी बुकें बेस्ट हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपकी इंग्लिश होती है वो प्रीवियस पर डिपेंड करती है, जो प्रीवियस ईयर है उस पर डिपेंड करती है। आप लोग अपनी वोकैबुलरी अच्छी कर लें, ठीक है। मैं कोई सी बुक प्रेफर नहीं करूँगा, ठीक है। आप लोग प्रीवियस ईयर करें, साथ में आप किसी के भी नोट से आप एक बार पढ़ लें, साथ में मैथ्स की बुक आप लोग आरएस अग्रवाल पढ़ लें, या फिर आप पाथफाइंडर यूज़ कर लें, वरना आपको एनसीईआरटी आप लोग लगा सकते हैं, काफ़ी बुकें होती हैं, आप लोग किसी को भी लगा सकते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पर आपको बात करते हैं आपका जनरल साइंस की, आपका दिशा पब्लिकेशन से ले सकते हैं, या फिर आपको मैं तो एक ही भी सजेस्ट करूँगा कि आप पाथफाइंडर पढ़ लें, उसमें से आपका जो जीके जो आपका साइंस वाला जीके जीएस आपका जो भी सारा पोर्शन है वो उससे कवर जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रख लेना है, उससे अलग आपका कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपके अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।